आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या है, फिर यूनिट के काइंड्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी, ठीक है, और क्वांटिटीज़ के टाइप्स हमने पढ़ी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि हर वो चीज़ जो मेजर हो सके, ठीक है, हर वो चीज़ जो पैमाइश की जा सके जिसकी, उसको हम लोग क्या कहते थे, क्वांटिटीज़। फिर हमने आपसे कहा था कि क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और क्वांटिटीज़ के दूसरे टाइप को हम लोग कहते थे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ये सात ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, जो क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सात ऐसी क्वांटिटीज हैं, इन सात क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं कि बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने आपसे कहा था क्यों इनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं, क्यों कहते हैं, दो वजह है, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटीज़ इस कायनात में हैं वो इन सात में से ड्राइव्ड हो चुके हैं, इन्हीं से अखज़ हो चुके हैं, इन्हीं से बने हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सात क्वांटिटीज़ किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं निकले, इसीलिए फंडामेंटल से बुनियादी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो ऐसे क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बने, ठीक है, या बेस क्वांटिटी से ड्राइव्ड, उनको हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आज हम लोग आते हैं यूनिट्स पढ़ेंगे। क्यों मैंने ये चीज़ रिवाइज किया, क्योंकि ये जो है आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक से वो रिलेटेड है। यूनिट क्या है, सबसे पहले इसका मतलब लफ्ज़ देखते हैं। लफ्ज़ यूनिट को उर्दू में कहते हैं कि इकाई, यूनिट को उर्दू में इकाई कहते हैं, ठीक है, और फारसी में इसके लिए लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है, मतलब क्या है, यूनिट मीन्स वन। अगर सिंपल वर्ड्स में देख ले कि यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब है वन। अब यूनिट क्या चीज़, ये इसका मतलब होगा, है क्या चीज़। याद रखिए कि यूनिट भी क्वांटिटीज़ है, लेकिन ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ है, फिक्स्ड क्वांटिटीज़ है, स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ है, जो क्या है, जो किस लिए इस्तेमाल होती, ताकि इनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ को मेजर की जा सके। फ़र्ज़ करते कि आप दुकान में जाते हो, जो दुकानदार के पास वो 1 kg का जो लोहा है वो दरअसल मास का यूनिट है। आप देख ले उसकी खुद की अभी अपनी वज़न है, लेकिन वो एक ख़ास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास है, ख़ास कि जो क्या होती है, जो किस लिए इस्तेमाल होती है, केस के ज़रिए से बाकी चीज़ों की मेजरमेंट करें। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यूनिट का मतलब वन है, और यूनिट ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक ऐसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि जिसके ज़रिए से बाकी दूसरी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसी तरह अगर आप देख लें, जब आप कपड़े ख़रीदने जाते हो तो वो जो कपड़ा बेचने वाला, उसके पास एक ख़ास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर। अब उस मीटर वो देख लो क्या है, वो मीटर का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, उसे क्या करते हैं, बाकी चीज़ों की लेंथ को हम लोग उससे मेजर करते हैं। जो उसके पास जो आला है वो एक्चुअली लेंथ का यूनिट है, वो कितना है, 1 m। तो यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब है वन, और यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज़ यूज टू मेजर दी अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये यूनिट किस लिए है, ताकि दूसरी क्वांटिटीज़ को इनके ज़रिए से मेजर की जा सके। तो डिफाइन डेफिनेशन लिखते हैं कि यूनिट मीन्स वन, मीन्स वन एंड इट इज अ स्टैंडर्ड और फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर दी अदर क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट ऐसी क्वांटिटी है जिसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं, बाकी क्वांटिटीज की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये यूनिट का मतलब और ये इसका डेफिनेशन और इसका एक सेंस। अब आते हैं, जिस तरह क्वांटिटीज के दो टाइप्स थे, उसी तरह हमारे पास यूनिट्स के भी दो टाइप्स हैं। अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू बना लें तो क्या कहेंगे, किस तरह बनाएंगे कि यूनिट, फिर यूनिट के पास कि हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हम लोग क्या कहते हैं कि बेस यूनिट्स,
ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं कि ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि बेस यूनिट्स क्या है और ड्राइव यूनिट्स क्या है। तो देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम लोग के व्हाट इज बेस यूनिट। नंबर वन, बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग कहते हैं बेस यूनिट्स। अब यहां पर दो कॉलम्स बनाते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं किस तरह। ठीक है, तो यहां पर बेस क्वांटिटीज को मैं लिखूंगा, जो याद रखिए कि हर क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था क्वांटिटी वो चीज़ है जिसको मेजर की जा सके, फिर वो फिक्स्ड क्वांटिटी जिसके जरिए से बाकी क्वांटिटीज के मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर क्वांटिटी का यूनिट होना चाहिए। ठीक है, बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे हम लोग बेस यूनिट्स। हर क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, जैसे कि मास, मास एक बेस यूनिट है, तो मास का यूनिट होना चाहिए। मास का यूनिट है क्या है, किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। तो मास क्या है, मास एक बेसिक क्वांटिटी है या एक बेस क्वांटिटी है। इस बेस क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, बेस यूनिट। क्यों, क्योंकि एक बेस क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग ले लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। उसी तरह टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा हमारे पास, सेकेंड। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला। और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है, मोल। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे है बेस क्वांटिटीज और ये सारे बेस क्वांटिटीज के यूनिट। इन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग कहते हैं कि बेस यूनिट्स। ठीक है, आप अगर आपसे कोई पूछे कि बेस यूनिट्स क्या है, तो आप ये बता दें कि ये सारे बेस यूनिट्स है। क्यों ये बेस यूनिट्स है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि इसके लिए डेफिनेशन निकालते हैं कि व्हाट इज बेस यूनिट। हम लोग क्या लिखेंगे कि द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ये डेफिनेशन, और यहाँ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल एक चार्ट है आपके पास कि यहाँ पर हमने बेस क्वांटिटीज लिखे और यहाँ पर बेस यूनिट्स लिखे। तो ये इस तरह के बेस यूनिट्स। अब जाते हैं यूनिट्स के दूसरे टाइप पे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि ड्राइव यूनिट्स। नेक्स्ट इज नंबर टू हमारे पास है ड्राइव यूनिट्स। जिस तरह बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट्स कहते थे, उसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे कि ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, फिर उसी तरह एक चार्ट बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे ड्राइव क्वांटिटीज और इसके सामने यहां पर लिखेंगे ड्राइव यूनिट्स। तो मैंने आपको एग्जाम्पल उस दिन पढ़ाया था कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। जैसे कि क्या है, फर्स्ट करते हैं हमारे पास एरिया, एक क्या है, एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या है, एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है। इस ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट मीटर स्क्वायर क्या होगा, फिर एक ड्राइव यूनिट होगा। उसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब।
तो फिर उसी तरह कि वॉल्यूम एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, ड्राइव्ड यूनिट। उसी तरह जितनी भी यूनिट्स हो, फर्ज करते कि स्पीड, स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, एम ओवर एस। उसी तरह फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एक्सीलरेशन जितनी भी क्वांटिटीज है, तो ये सारे क्या है, ये सारे ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स। अब ये आपके पास एक चार्ट एग्जांपल के तौर पर डेफिनेशन लिखेंगे क्या होगा, व्हाट आर द ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग कहते हैं कि ड्राइव यूनिट्स। यहाँ पर लिखेंगे कि द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास डेफिनेशन है और ये एग्जांपल जिसको हमने चार्ट की शक्ल में कहा, ठीक है। तो इस तरह हो गया यूनिट का, यूनिट के और उसके टाइप्स हमने पढ़ा, यूनिट, यूनिट का मतलब, फिर डेफिनेशन, फिर यूनिट्स के टाइप, ठीक है। ओके, थैंक यू।